और यहाँ पे देखो भुट्टा वगैरह खाना चाहते तो आप भुट्टा वगैरह भी खा सकते हो। तो यहाँ पे देखो पार्किंग वगैरह भी बना दिया है, उधर भी पार्किंग है। जैसे भीड़ होता होगा ज़्यादा तो इस साइड रखते हैं गाड़ी। तो ये पुल है ना वो टूटा हुआ है, उतरूं क्या? हैं? मैं उतार रही हूँ ना, मेरे डर लगते हैं। ये देखिए यहाँ पे है भगवान शिव जी और माता पार्वती, साथ में है गणेश भगवान जी और वहाँ पे है नंदी बैल। ये देखिए हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ललित देवांगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस मैं आया हुआ था भोला पठार, अब भोला पठार से मैं जा रहा हूँ सिया देवी माता का मंदिर है। और पिछले वाला वीडियो में आप लोग को मैं जो है भोला पठार का जो है दिखलाया हूँ, कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अभी चलते हैं सिया देवी माता मंदिर। अभी निकल रहे भोला पठार से सिया देवी माता मंदिर के लिए, और यहाँ पर आप लोग को दिखलाया था बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिला। और यहाँ पे देखो भुट्टा वगैरह खाना चाहते तो आप भुट्टा वगैरह भी खा सकते हो। तो यहाँ पे देखो पार्किंग वगैरह भी बना दिया है, उधर भी पार्किंग है। जैसे भीड़ होता होगा ज़्यादा तो इस साइड रखते हैं गाड़ी। और भोला पठार जो है बालोस से लगभग वह 10 किलोमीटर के आसपास है, 10 या 11 जब मैं मैप में देखा ना तो बालोस से 11 किलोमीटर बतला रहे थे। अब यहाँ से अपन चल रहे हैं सिया देवी माता मंदिर, वहाँ पर झरना भी है तो झरना भी आप लोग को दिखाएंगे इस वक्त अभी पानी है कि नहीं है वहाँ पे। यहाँ से पूछते हैं सिया देवी के लिए, मेरे ख्याल से सिया देवी यही जाता होगा। आगे में किसी से पूछताछ करेंगे कि सिया देवी माता का मंदिर जो है इस साइड से जाते हैं कि नहीं जाते हैं। सिया देवी मंदिर सीधा ना, तो पूछा तो बता रही थी दीदी जो है वहाँ पे इस साइड में है सिया देवी माता का मंदिर। तो जब भी आपका बालोद आना होता है ना तो दो जगह कवर हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए मस्त सुंदर से शिवलिंग भगवान यहाँ पे, और नंदी बैल भी है, और मस्त सुंदर से यहाँ पे तालाब छोटा सा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं, सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल भोला पठार ग्राम। ये देखो तो यहाँ से अंदर जाना है अपने को, और एक तालाब यहाँ पे जो कि यहाँ पे पानी भरा हुआ मस्त लग रहा है। आइए आप लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए। सावधान आगे रास्ता बंद है, पुलिया क्षतिग्रस्त हो सकता होगा, जिस टाइम बारिश हुआ होगा ज़्यादा उस टाइम बंद किए होंगे। अभी तो फिलहाल ये देखो अभी देखते हैं जाना हो पाएगा कि नहीं, चला जाएगा साइड से। ये देखो ये पुल है ना वो टूटा हुआ है। उतरूं क्या? हैं? मैं उतार रही हूँ ना, मेरे डर लगते हैं। चलिए यहाँ पे ये पुल टूटा हुआ है, आराम से निकल गया। देखो उसका पैर जो है, तो वहाँ पे जो है पुल टूटा हुआ है तो उसमें अभी काम चल ही रहा है, और जैसे वो काम कम्प्लीट हो जाएगा तो आना जाना बिल्कुल अभी भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से लेना है लेफ्ट, यहीं कहीं से है जो मुड़ना है सिया देवी माता मंदिर के लिए। ये चौकी याद आ गया, पंचमुखी बिल्डिंग बरही। पूछ लेता हूँ एक बार, सिया देवी माता मंदिर, सिया देवी। जहाँ पे लिखा हुआ है नारा गांव, तो नारा गांव से ही मुड़ना है आपको सिया देवी माता मंदिर के लिए, और कहाँ से मुड़ना है वो मैं आपको बता दूंगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिया देवी मंदिर पहुँच मार्ग, यहाँ से जो है 1.5 किलोमीटर। देखो ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग,
बारिश के जो सीजन में आप लोग आई है, क्योंकि जो है अधिकतर बारिश के सीजन में ही ना वाटरफॉल जो है देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखो तालाब है कि डैम है, हाँ क्या बोले तो 1.5 किलोमीटर है बस वहाँ से, जहाँ से आप लोग को मैं दिखलाया हूँ, बस पहुँचने ही वाला, दूर नहीं है यहाँ से। यहाँ से भी एक रास्ता है, यहाँ से भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सिया देवी मंदिर जाने का मार्ग। ये देखो नाका है अभी फिलहाल तो ये साइड में है। और यहाँ पे देखो हम पहुँच चुके हैं, सामने जो लिखा हुआ है वाहन पार्किंग, यहीं पे अपना बाइक रखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बस ट्रक 50, 2 पहिया 10, 3 पहिया 20, यहीं पे रखते हैं। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं सिया देवी, और यहाँ पे हम लोगों ने बाइक जो है रख दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो बहुत सारे जो है बाइक रखे हुए हैं, टिकट ले रहा है कि नहीं ले रहा है बाइक के लिए वो पूछते हैं सामने में, फिर आगे बढ़ेंगे। बाइक का लगेगा क्या, कितना रुपये है? 10 रुपये बाइक के लिए, यहाँ पे 10 रुपये लिया हुआ है। इस साइड है साहू धोसा कॉर्नर, तो खाना भी आप यहाँ से कर सकते हैं, धोसा वगैरह खा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जय माँ सिया देवी मोमोश कॉर्नर करके लिखा हुआ है। अभी जो है ज़्यादा लोग नहीं आए ऐसा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा माहौल जो है ठंडा है, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पाए हैं। जैसे कि अभी हम लोग गए हुए थे भोला पठार, तो भोला पठार में बहुत ज़्यादा माहौल था, वहाँ पे भीड़ भाड़ देखने को मिला था। अभी इस वक्त यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, देखेंगे मंदिर के पास में और वहाँ पे कैसा माहौल है। ये देखिए खाने पीने के जो चीज़ें हैं ना यहीं पर लगा हुआ है, तो आप खा सकते हैं। जैसे कि ये देखो कान्हा मोमो सेंटर करके लिखा हुआ है, ये देखो गुपचुप यहीं पे पूछे थे हम लोग खाते ना। तो वहाँ से आ रहे हैं घूमकर, अभी इस वक्त पानी नहीं भरा, पिछले टाइम जब आया था ना यहाँ पे पानी भरा हुआ था, पता है पानी गिरा है फिर भी कम है। हाँ अभी कम है ना, अभी कहाँ पानी गिरा, अभी कल परसों में तो वो सिर्फ गिरा, हल्का फुल्का गिरा है, नहीं हमारे अच्छा पानी गिरा, तो पानी अभी कम नज़र आ रहा है ना। तो ये देखिए यहाँ पे है भगवान शिव जी और माता पार्वती, साथ में है गणेश भगवान जी, और वहाँ पे है नंदी बैल। ये देखिए यही पानी जो है उधर वाटरफॉल बनता है, आगे में जाकर वाटरफॉल भी आप लोग को दिखलाएंगे। और जो माता का मंदिर है वो सामने में है, एक मंदिर यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम भक्त गोराज केवट मंदिर, चलिए थोड़ा पास से आप लोग को दिखलाते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे बनाया गया है इस मंदिर को। यहाँ पे है भगवान रामचंद्र जी, भगवान लक्ष्मण और माता सीता, और साथ में जो केवट जी है जो नाव पार करा रहे थे उसी को यहाँ पे पूजा करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का उसी को यहाँ पे दिखलाया है। बहुत सुंदर इधर जो है हल्का फुल्का जो है पानी इधर से आ ही रहा है, वहाँ पर कितना वाटरफॉल जो है बन रहा है वो आपको दिखलाएंगे। इधर चलते हैं, ये देखो मस्त सुंदर से लग रहा है। आप जैसे इंटर करोगे ना यहाँ से तो आपको राइट साइड में ये मिलेगा, ये देखो यहीं पे छोटा सा वाटरफॉल जो है बन रहा है। आराम से चलते हैं, आ जाओ। तो चलिए जूता निकालते हैं। ये देखो बहुत सुंदर बना है यह मंदिर, और यहाँ पे है सामने में है नंदी महाराज, और सामने में है भगवान शिव जी शिवलिंग। तो आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे दर्शन करें, जय शंकर भगवान। और यहाँ पे देखो नंदी महाराज, और यहाँ पे है भगवान गणेश जी, और साथ में है भगवान शिव जी और माता पार्वती। तो आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे दर्शन करें, जय शंकर भगवान। आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे है भगवान शिव जी, साथ में जो है माँ पार्वती और गणेश भगवान जी भी है। तो आप लोग को मैं दिखाया हूँ, और यहीं से जो है वाटरफॉल जो है बनता है, और आए हुए हैं घूमने के लिए भाई लोग वहाँ पे, और फोटोग्राफी हम लोगों ने जो है खिंचवाए हैं, भाई साहब को बोला तो उन्होंने खींचा हुआ है।
यहाँ से देखो इंस्टॉलेज जो है चालू हो जाता है पूजा सामग्री का। अगर आप लोग यहाँ से अगर नारियल अगरबत्ती अगर लेना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड जो है लगा हुआ है, तो यहाँ पे अपन नारियल लेते हैं। वो प्रसाद को ले लिए हैं वहाँ पे नारियल जो है चढ़ाने के लिए, और यहाँ पे इंस्टॉल वगैरह लगे हुए हैं जहाँ से आप बिल्कुल नारियल जो है खरीद सकते हैं। और आज सोमवार है, आज ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लग रहा है मंदिर के हिसाब से? हाँ कल रेस भैया, कल जबकि आज होना चाहिए ना सोमवार को। अच्छा तो गाइस अभी हम लोग है जस्ट मंदिर के सामने में ही है, चलिए आप लोग को दिखलाते हैं। ये है मेन मंदिर, शिया देवी माता जी का यह मंदिर है, बहुत दिन पहले का ही बना हुआ है मंदिर। अगर मेरा पिछले वाला जो वीडियो है उसको अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। और इसमें बस थोड़ा बहुत चेंजेस किया हुआ है, पेंट वगैरह किए हुए हैं, अंदर चलकर आप लोग को दिखलाते हैं। ये देखो बैठने उठने की मस्त इधर व्यवस्था, इधर लिखा हुआ है ज्योति दर्शन यज्ञ स्थल जाने का मार्ग। सबसे पहले अपन मंदिर चलते हैं, फिर आप लोग को आसपास का जो एरिया है ना वो दिखलाएंगे। पीछे में जो है वाटरफॉल बनता है, देख सकते हैं बहुत सुंदर बना हुआ है यह मंदिर। अभी तो भीड़ नहीं है तो अपन आराम से दर्शन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है, यहाँ पे है घंटी बड़ा सा लगा हुआ है, और मंदिर का जो एरिया देखिए बहुत सुंदर बना हुआ है। और यहाँ पे देखो प्रसाद दिया जाता है यहाँ पे। ये है भाई मेन मंदिर, गर्भगृह में प्रवेश निषेध है, और यही है माता जी का मंदिर शिया देवी माता। अभी मैं हूँ माता के जस्ट सामने में, और यहाँ पे जो है पूजा पाठ किया जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी वेट कर रहा हूँ, फिर आप लोगों को मैं माता जी को दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे सामने में है शिया देवी माता, तो आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे दर्शन करिए माता जी का। जय शिया देवी माता। तो चढ़ाने के लिए लाए हुए हैं नारियल, तो उसको अपन चढ़ाते हैं। तो हमारे द्वारा लाया गया जो नारियल है और माता जी के लिए जो चूरनी लाया, तो उसको माता रानी में चढ़ाया जा रहा है पंडित जी। घर बैठने की मस्त व्यवस्था भी किया है, तो आप बैठ सकते हैं, कुछ फैमिली यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये कौन सी माता है, कौन सी माता है मेंशन नहीं किया हुआ है? हाँ सीता माता हो सकते हैं। ये है लाहौर पुस, मस्त सुंदर से यहाँ पे मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। और पीछे में जो है भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण भगवान जी हैं पीछे में। देखो ये है भगवान रामचंद्र जी, और यहाँ पे है लक्ष्मण भगवान, और यहाँ पे है शिवलिंग नाग देवता। तो आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शन करिए। ज्योति कक्ष है उसको भी आप लोग को दिखला देता हूँ मैं आप लोग को। वहाँ पे सब फैमिली पहुँचे हुए, सब यहीं पे खाना वाना कर रहे हैं। और ये है ज्योति कक्ष है शायद, ये देखो हवन स्थल, और यहाँ पे है भगवान बजरंगबली जी के यहाँ पे मूर्ति, और साथ में माँ दुर्गा जी के, ये देखिए। तो आप भी दर्शन कर सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। मैं आप लोग को जो है उस साइड लेकर गया हुआ था, वहाँ पे कुछ भगवान जी के जो है मूर्ति स्थापित है, भगवान रामचंद्र जी है। आगे अपन चलते हैं झरना की तरफ, और आज सोमवार है फिर भी लोग जो है कम पहुँचे हुए हैं। और जो है यहाँ पे है सीढ़ी बना हुआ है, तो सीढ़ी से अपन उतरते हैं, देखते हैं कितना सीढ़ी है। ज़्यादा सीढ़ी तो नहीं लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है गाइस। ये देखिए मस्त हरे भरे जो है पेड़ पौधे वो नज़र आ रहे हैं। लोग यहाँ पे पहुँचते ना तो और अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत कम लोग ही पहुँच पाए हैं आज के डेट में। ये देखो मस्त झरना जो है बन रहा है, मेन झरना उधर है और इधर जो है बहते हुए आगे की तरफ जा रहा है। चलिए इधर बढ़ते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफ खिंचा सकते हो अगर आप लोग को अगर खिंचाना होगा तो। इधर क्या है, सीढ़ी तो बना हुआ है, देखते हैं क्या है इधर। यहाँ पे गुफा है, गुफा पे चलेंगे फिर आप लोग को जो है झरना दिखलाएंगे। ये है गुफा जाने का रास्ता, और झरना जाने का रास्ता इस साइड में है। यहाँ पर देखो ऐसे तो कुछ मेंशन भी नहीं किया है,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, मिटा हुआ है। ये भाई गुफा जाने का रास्ता, पहुँच सक रहा है गुफा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भाई देखो गुफा के अंदर जो है घुस रहे हैं। मेरा बैग रखा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा फंस रहा है। बैग को निकाल लो, याद ही नहीं आया ना मेरे को। फर है ना, मेरा सर लगा है। हाँ हाँ हाँ, इस बार लग नहीं लगा था, अभी लगा। आराम से, अंधेरा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सर झुका के चलना है ना, पूरा अंधेरा है। टार्च जलाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं मत जलाओ, आ जाओ। देख नहीं रहा है मेरे को कुछ भी। हाँ ना, धीरे धीरे और नीचे मुंडी को नीचे ही करके चलना है ना। यहाँ कुछ आएगा तो डरना मत। जय माता रानी। यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कुछ है तो नहीं ना, थोड़ा कुछ नहीं, पेड़ का जड़ है। यहाँ पे सिंगल रास्ता हो गया है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। अकेले में डर भी लगता है, ऐसे ऐसे पतला हो गया। जय माता दी, जय माता दी। एकदम झरने के पास में निकल गए गुफा से अपन। ये है झरना, देख सकते हैं। ये है सिया देवी, जिसे वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। अभी पानी का जो लेवल है ना, वो अभी कम नज़र आ रहा है। यहाँ पे फोटो सेशन भी हो रहा है नीचे में, उस साइड में भाई लोग जो है वो नहा रहे हैं। और मस्त सुंदर सा वाटरफॉल है, ये देखिए। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे जैसे अभी बारिश होगा ना, तो वाटर लेवल जो है बढ़ जाएगा। अभी जो है साइड में बह रहा है, मतलब दो ही जगह है, बाकी पूरे जगह बहता है। लेकिन जैसे पानी जैसे ज़्यादा गिरेगा ना, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा वाटर लेवल वो देखने को मिलेगा। यह बालोद जिला में आता है, नारा गांव से लगा हुआ है। तो आप लोग को पास से दिखलाते हैं इस वाटरफॉल को। ये देखिए बहुत सुंदर, इस तरफ भी रिस कर जो है पानी पेड़ों से नीचे की तरफ आ रहा है। और ये देखिए इस तरफ मस्त सुंदर सा झरना। साइड भी लोग गए हुए हैं, उस साइड भी अपन जाएंगे, वहाँ से आप लोग को दिखाएंगे। और ये है गुफा, गुफा से जो है लोग अभी आ रहा है। इससे पहले मैं गया हुआ था गुफा के अंदर में, और अकेले जाएंगे तो आपको डर बिल्कुल लगेगा। अंधेरा है वहाँ पे, कुछ भी नज़र नहीं आता, तो आप टार्च का सहारा ले सकते हैं गुफा के अंदर जाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो है शिवलिंग है, ये देखिए एक साथ बहुत सारा शिवलिंग। आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे दर्शन करिए। और ये है क्या लिखा है, वाल्मीकि करके लिखा हुआ है। तो ये भाई वाल्मीकि ऋषि, आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शन करिए। यहाँ से वाटरफॉल, यहाँ से चलते हैं एक बार और आप लोग को दिखलाते हैं। अब इतना दूर आया हूँ तो यहाँ से भी एक नज़र आप लोग को दिखला ही देता हूँ, क्योंकि बार बार जो है आने का मौका वो नहीं मिलता। ये देखो इस तरफ जो है वो पानी बह रहा है, वहाँ पे था मैं ऊपर में, और ऊपर से आप लोग को दिखला रहा था। और ये है सिया देवी माता का जो मंदिर ऊपर में है, पहाड़ के ऊपर में मान के चलो ये। और जो है अभी हम लोग हैं नीचे में हैं, यहाँ से दिखलाते हैं झरना। ये देखो क्या नज़ारे हैं, मस्त लग रहा है भाई। अभी पानी जो है नहीं गिर रहा है, गर्मी जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है, और टाइम की कमी की वजह से हम लोग जो आगे जाने वाले हैं, आप लोग को दिखाएंगे आगे, और बहुत सारे जो है पिकनिक स्पॉट वो भी कवर करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग अभी सिया देवी में हैं। आप लोग भी आइएगा सिया देवी वाटरफॉल, साथ में यहाँ माता का मंदिर भी है, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आप बिल्कुल
पहुंच सकते हैं। बस यहाँ पे आज माहौल कम है और शनिवार और रविवार के दिन आप आइएगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है देखने को मिलेगा, अगर आप लोग को भीड़ भाड़ अगर ज़्यादा पसंद है तो। आज का जो है सिया देवी वाटरफॉल और साथ में माता का जो मंदिर आप लोग को दिखला हूँ, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।